सो गाइस, लास्ट व्लॉग में दिखा हुआ आपने, हम आरू वैली गए थे। तो आरू वैली से निकल के अब हम आ गए हैं श्रीनगर, एंटर कर गए हैं श्रीनगर में। और अभी हम जा रहे हैं, लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर डल लेक पे जाएंगे। चलते हैं फिर। सो गाइस, अभी हम हैं डल लेक की दूसरी तरफ और अभी हम जा रहे हैं ओल्ड डल लेक की साइड। वन वे है, काम चल रहा है यहाँ पे, लोकल से बताया था। तो अभी ये देखो, एक शिकारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ऐसी बोट्स हैं यहाँ पे जो इस लेक में चलती हैं, और बड़ी शिकारा भी हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ जी, तो पहुँच गए अभी डल लेक श्रीनगर। देखो, आपको दिखाता हूँ डल लेक का। ये देखो भाई, यहाँ तो गर्मी है अपने दिल्ली गुड़गांव जैसी। ये देखो भाई, ये उधर अपनी गाड़ी लग रही है। और बाकी आज थोड़ी बहुत देर यहाँ डल लेक घूमते हैं, फिर आगे गुलमर्ग या सोनमर्ग का पता करते कितना क्या है, फिर वहाँ पे निकलते हैं। मिलते हैं फिर। ये देखो भाई, हमारे साथ जो दो भाई है ना, वो देखो भाई, रील पे रील। ये देखो, उन्हें पता ना भाई, कोई एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिल गया है भाई, उससे करवा रहे हैं। सो गाइस, लेक के साइड में चल रहा है काम और हो रखा है ये वन वे। तो अभी हम आगे जा रहे हैं ओल्ड जो डल लेक है ना, उसकी तरफ में। तो आपको जो वहाँ पे बड़ी शिकारा है वो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे बिल्कुल, मौका मिलेगा तो। सो गाइस, ट्रैफिक जाम की वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। ये है बड़ी शिकारा जो वहाँ पे आपको दिख रही है ना, खड़ी है, ये ओल्ड डल लेक है ये। सो गाइस, अभी हम निकल लिए हैं वापस घर के लिए, और गुलमर्ग और सोनमर्ग हम नेक्स्ट ट्रिप में एक्सप्लोर करेंगे जब हम सोलो आएंगे। और जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना, सारे एक्सप्लोर करूँगा मैं।
ये देखो गाइस, ट्रैफिक जाम, और पिछले 8-10 किलोमीटर से ये चल रहा है ट्रैफिक जाम, और हम चल रहे हैं रॉन्ग साइड। तो किस्मत ठीक रही तो हम इसको क्लियर कर जाएंगे, अगर किस्मत ख़राब रही तो हम इसमें फंस भी सकते हैं। और भाई किस्मत तो ख़राब है ही, आते हो तो जाते हो, दोनों टाइम हमें ट्रैफिक जाम मिला है। आते वक्त तो हम 6.5 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे थे, और शुक्र है अभी हम निकल रहे हैं साइड से। अगर इस जाम में फंस गए ना तो 2-3 दिन नहीं निकल पाएंगे इस जाम से हम।